प्रिय भक्तगणों, मैं आज आपको आपके दैनिक राशिफल की विशेष व्याख्या करते हुए धन से संबंधित एक विशेष उपाय बताने वाला हूँ, जो कि आपकी धन से संबंधित परेशानियों को शीघ्र दूर करने वाला होगा। इस उपाय को करके आप लाभ उठा सकते हैं और इस सब को जानने के लिए आप अंत तक आज का यह वीडियो अवश्य देखते रहें। मेरे द्वारा बताए गए सभी उपाय आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं, क्योंकि ये उपाय मैं आपकी राशि के अनुसार राशिफल के अंदर बताता हूँ और साथ ही साथ उससे संबंधित एक धन का उपाय अवश्य बताने का प्रयास करता हूँ। ज्ञान गंगा जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना दैनिक राशि फल लेकर। आइए प्रारंभ करते हैं पंचांग। तो आज है विक्रम संवत 2077, 15 अक्टूबर सन 2020 बृहस्पतिवार का दिन है। अश्वनी मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र और ब्रह्म नामक योग बन रहा है प्रातःकाल। प्रभु जो आपके लिए अपने द्वार खोलने वाले हैं वह समय है 11:35 से लेकर 1 बजे दोपहर में। तो परम पिता परमात्मा को इस समय पर स्मरण करना और प्रणाम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी विराजमान रहने वाली है वो सुबह 6:22 से लेकर 7:48 तक विराजमान रहेगी, जबकि राहु काल है 1:33 से लेकर 2:59 दिन के समय में। और जो अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है वो 11:44 से लेकर 12:30 तक रहने वाला है। तो इसके अनुसार ही आप अपने षटकर्म या शुभ कर्मों का प्रावधान कर सकते हैं। और साथ ही नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। तो देखिए, मंगल देवता वक्री होकर मीन राशि में विराजमान है, राहु महाराज वृषभ राशि में वक्री होकर ही विराजमान होते हैं, शुक्र देवता सिंह राशि में विराजमान है, चंद्र देवता और सूर्य देवता दोनों के दोनों विराजमान हो रहे हैं आज कन्या राशि के अंदर। बुध देवता वक्री होकर तुला राशि में विराजमान है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा बुध देवता 14 तारीख को वक्री हो चुके हैं, और केतु महाराज वृश्चिक राशि में वक्री होकर विराजमान है, बृहस्पति देवता धनु राशि में विराजमान है, मकर राशि में शनिदेव महाराज मार्गी होकर विराजमान है। और यहाँ से ये सब हमारे ऊपर सुखों की वर्षा कर रहे हैं या दुखों की वर्षा कर रहे हैं, और ये सुख और दुख हम खुद अर्जित करते हैं अपने कर्मों से। बुरे कर्म करेंगे तो दुख ही मिलेगा ना, सुख की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए आप। अगर किसी भी प्रकार का दुष्कर्म, बुरा कर्म किसी के साथ, देश के साथ, समाज के साथ या लोगों के साथ बुरा कर्म करते हैं या जीव जंतुओं के साथ, तो आप सुख की अभिलाषा छोड़ दीजिए। मैंने तो कुत्तों को मारने वाले व्यक्तियों के संतान को 1 साल के भीतर भीतर पुत्र संतान को स्वर्गवास होते हुए देखा है, हट्टे कट्टे व्यक्ति का स्वर्गवास होते हुए देखा है। तो कोई भी बुरा कर्म करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि इसके फल तो अंततः आप ही को भोगने पड़ेंगे। चाहे इस जन्म में कुछ भोग लें और कुछ अगले जन्म में भोग लें। तभी तो एक व्यक्ति फुटपाथ पर भिखारी किया जन्म लेता बुरे कर्मों के कारण, और एक व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के कारण किसी राजा जैसी फैमिली में, राजा की समकक्ष फैमिली में, अमीर फैमिली में सुख सुविधाओं के साथ जन्म लेता है। कोई व्यक्ति अंधा लूला बनकर पैदा होता है तो कोई हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और स्वस्थ होकर जन्म लेता है, और जिसे हर किसी की इच्छा होती है कि मैं से एक बार गोदी में इस बालक को अवश्य खिलाऊं। तो 100 बार सोचिएगा, फिर भी भूल चूक अब हर एक इंसान से होती है। अगर आप अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो यहाँ हमने प्रावधान किया है। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर 2 लिंक हैं। एक लिंक तो आपको मिलेगा हमारी पापों के प्रायश्चित के नाम से, एक लिंक दिया हुआ है, उसको कॉपी पेस्ट करके किसी नई विंडो में खोल सकते हैं। दूसरा एक लिंक है मोबाइल ऐप का लिंक, उस लिंक पर जाकर आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जब भी आपको कोई परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी संतान के लिए या अपने मित्रों के लिए। साथ ही साथ
ये जो पापों का प्रायश्चित का वहां पर भी प्रोविजन है वहां पर, तो वहां जाकर आप हमसे संपर्क करिए, तो हम निश्चित रूप से आपको उपाय देने का भरपूर प्रयास करेंगे। और मोबाइल ऐप के माध्यम से तो आपको सभी प्रकार की सुविधाएं आपके हाथ में ही आ जाती हैं कि आप तुरंत ही हमसे संपर्क कर सकते हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से, या अपनी परेशानी का उपाय जान सकते हैं, तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकें। साथ ही साथ अब मेरा अनुरोध आपसे रहेगा कि आपकी बदौलत आज YouTube पर हमारी 15,70,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। YouTube का यह वेरीफाइड चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए अगर आपने नहीं किया है। साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों और मित्रों के साथ नित्य प्रति, क्योंकि सनातन धर्म के ज्ञान की ये गंगा निरंतर बहती रहनी चाहिए, जैसे सतयुग से बहती आ रही है, राजा हरिश्चंद्र के समय से सतयुग में बही, त्रेता युग में भगवान राम के नाम से बहती रही, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के नाम से बहती रही। क्यों बही? क्योंकि आपके पूर्वज इसे बहा रहे थे। एक जगह कोई ज्ञान की बात सुनते थे तो 100 जगह इसका जिक्र करते थे, और इसी वजह से आज हमारा सनातन धर्म दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्मों के बीच में पहला स्थान रखता है। पूरी दुनिया के लोग सनातन धर्म की ओर बड़ी आशा की दृष्टि से देखते हैं। तो इसे चाहे हमारी गुरु दक्षिणा समझकर दे देना, इस वीडियो को शेयर अवश्य करना भी अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, वो भी नित्य प्रति अलग अलग लोगों के साथ। चलिए और अधिक समय नहीं लूंगा, प्रारंभ करूंगा मेष राशि वाले व्यक्तियों के साथ। मेष राशि वाले व्यक्तियों, कंट्रोल करें अपने आप पर, क्योंकि आपका क्रोध आप ही के लिए हानिकारक हो सकता है, एक्सीडेंट का भी कारक हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी का प्रयोग अवश्य करें, और मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला करना आपके लिए लाभदायक होगी। यह मूंग की अंगूठी मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कराकर अपने भाग्य के रतन की अंगूठी के साथ सदैव पहने। बेशक इसमें आमदनी की अंगूठी भी जोड़ लें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आए तो आप तो खुद मजबूत हैं, भाग्य मजबूत है, आमदनी से कोई कमी नहीं है, फिर बाकी चीज तो आप हैंडल कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और ये सभी मेष राशि वालों के लिए अटल सत्य है। अगर उनकी सच में ही मेष राशि है तो मूंगा पहनना उनके लिए बहुत लाभ देगा, अपने भाग्य की अंगूठी के साथ और आमदनी की अंगूठी के साथ मिलकर। किंतु यहाँ पर एक विशेष प्रॉब्लम क्या आती है मेष राशि वालों के साथ, कि उनकी उनके जीवन साथी के बीच में बहुत ज्यादा अनबन रहती है। तो जो लोग शादीशुदा हैं, उनके जीवन में बार बार तनाव, लड़ाई, झगड़े, कोर्ट कचहरी, थाना, अड़ोसी पड़ोसी जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस प्रॉब्लम के लिए आप जीवन साथी से संबंधित रतन की अंगूठी भी अवश्य धारण करिएगा। यहाँ पर कुछ परिवारजनों के साथ अड़चन रह सकती है। जो स्टूडेंट हैं उनका मन पढ़ाई लिखाई की जगह विपरीत सेक्स की ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है, तो उनके माँ बाप ध्यान रखें। और जो उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगाने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी की मदद लें। हम गारंटी से उपाय करते हैं, साल में सिर्फ एक उपाय करने से आपके बच्चे के हर बार पहले से ज्यादा नंबर आएंगे, उसका पढ़ाई लिखाई में भी मन अवश्य लगेगा। साथ ही साथ बात करना चाहता हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवकों युवतियों के बारे में। आपका मन भटक रहा है, अगर ऐसे ही मन भटकता रहा तो सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, कैसे आपकी मेहनत सफल होगी? तो आप सबसे पहले तो एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखाएं मेहनत करने से पूर्व। सरकारी नौकरी का अगर आप माइंड मेकअप करते हैं तो उससे पहले ही आप अपनी एक बार जन्म कुंडली अवश्य चेक कराएं, ताकि पता चल सके कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। वैसे ही भूस के ढेर में लठ बजा रहे, वरना आप किसी दूसरी डायरेक्शन में अपने आप को बनाने का प्रयास करिएगा। चाहे तो आप इस कार्य में हमारी सहायता भी ले सकते हैं। यहाँ पर कोई लंग से संबंधित, कोई छुआछूत से संबंधित और सांस से संबंधित बीमारी होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्किन डिसीजेज की प्रॉब्लम भी संबंध होती हुई नजर आ रही है, और शादी के रिश्ते की बात चल रही है तो वो भी खराब होती हुई स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। अगर आपकी शादी नहीं हुई और शादी के रिश्ते की बात चले तो वो भी खराब होती हुई नजर आ रही है। अगर संतान प्राप्ति की बात करते हैं तो जिन लोगों को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि ऐसे सभी दंपत्ति जिनको डॉक्टरों की दवा सालों खाने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, अब वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की मदद लेकर संतान प्राप्त करने की ओर आगे बढ़े। और यहाँ बात करूंगा भाग्य के हालात प्रॉपर तरीके से आपको हेल्प पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यस्थल के हालात भी अच्छे रहेंगे, माता का आशीर्वाद लेकर माता के स्वास्थ्य के प्रति उनका सेहत का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, और कार्यस्थल पर जाएं तो अपने पिताजी के श्री चरणों का आशीर्वाद अवश्य लेते रहें। ऐसा करना आपके कार्यस्थल में, चाहे आप नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं, आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाला है। बात करना चाहूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो जो प्रेम संबंधों के बीच में आपका चल रहा है
कोई नई एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, कोई नया व्यक्ति आपके प्रेम संबंधों के बीच में घुसने का प्रयास कर रहा है, सावधान रहें, सतर्क रहें। और जो भी युवक युवतियां प्रेम संबंधों को लेकर परेशान है, वो बिना किसी झक के स्क्रीन पर आए नंबर पर हमारी मदद लेकर लाभ उठा सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्तियों, यहाँ पर कुछ उलझनों से बाहर आने का प्रयास करिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, जितना मजबूत बना सकते हैं। उसके लिए अपने राशि रत्न के, अपने भाग्य के रत्न के और आमदनी के रत्न की अंगूठी पहनना, क्योंकि इस समय आमदनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है काफी समय से, और जो लगभग 16 नवंबर तक रहने वाली है या उसके बाद भी 2-4 दिन तक रह सकते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको हमेशा अपने आप, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप हमेशा अपने आप को मजबूत बनाइए। अगर आप मजबूत हैं, आप स्वस्थ हैं, आप मजबूत हैं, तो आप बहुत सारी परेशानियों को सामना कर सकते हैं। और भाग्य मजबूत है तो और अधिक आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, और जेब भी भरी हुई है तो फिर बल्ले ही बल्ले आपकी, फिर तो बाकी सारी परेशानियां तो फूक मार के उड़ा दोगे, ठीक है। जब भी आएगी तो सदैव मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठ जागृत कराकर अंगूठियां धारण करें। चाहे तो आप हमारे यहाँ से मंत्र सिद्ध अंगूठियां अपने नाम की पूजा करवा कर घर बैठे भी मंगवा सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी। और यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ माता के बारे में, तो माता का थोड़ा सा आशीर्वाद लेकर ही पढ़ने पर बैठे, क्योंकि माता आपको मदद पहुंचा रही है। नौकरी प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू, इंटरव्यू में सफलता, कम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता, या सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, मन चाह ट्रांसफर भी हो सकता है। तो उस सब सुविधाओं को पाने के लिए माता का आशीर्वाद लेना अत्यंत आवश्यक होता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट भी जब भी पढ़ने बैठे तो माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ने बैठे, वही सब कुछ पढ़ने में आएगा जो एग्जाम में आने वाला होगा, तो इस समय उनका लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर कोई स्किन टाइप की डिसीज या कोई छुआछूत से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है, सावधान रहें। स्टूडेंटों को शायद चांस मिल सकता है किसी यात्रा से संबंधित, किसी पढ़ाई लिखाई या एग्जाम या कम इंटरव्यू से संबंधित कोई यात्रा की संभावना भी बन सकती है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार लाने का प्रयास करें, अन्यथा आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। जीवन साथी से संबंधित रतन की अंगूठी भी धारण करना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि रोज रोज की लड़ाई से अच्छा है उसको एक रतन की अंगूठी धारण कर लीजिए, आपकी 60-70% प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होने लगती है जीवन साथी के साथ। और यहाँ निश्चित रूप से बात कहूंगा कि आपकी वजह से आपके ससुराल पक्ष में कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, आपका भाग्य आपको फुल टू फुल सपोर्ट कर रहा है, कार्यस्थल के हालात बिल्कुल लगे, लेकिन आमदनी में कुछ प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है, तो अपनी आमदनी को ठीक करने का प्रयास करें। खर्चे अधिक हो जाएंगे, आमदनी को बढ़ाने के लिए आप भरपूर प्रयास करें, और आमदनी से संबंधित जैसा कि मैंने पहले कहा है रतन की अंगूठी पहनना आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। और यहाँ बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो फिर से कहूंगा कि अपनी माता का आशीर्वाद लेकर माता से चर्चा कीजिएगा, माता से डिस्कशन लेकर उनकी सलाह मानकर अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करिएगा। लेकिन नॉर्मली ये संभव नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करके लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। यहाँ मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, चिंताएं अचानक से आपका पीछा करने लगी है, और ये अब स्थिति बहुत लंबे समय तक रहने वाली है, साल से भी ऊपर समय चलता चला जाएगा, उस समय तक की स्थिति है कि आप चिंताएं बढ़ती चली जाएंगी। तो सावधान रहें, पहले से उपाय करके रख लें, एक तो चिंताओं का, एक अपने राशि रतन की अंगूठी, एक भाग्य के रतन की अंगूठी और एक आमदनी के रतन की अंगूठी, ताकि आप विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का खुलकर मुकाबला कर सकें, और उन विपरीत परिस्थितियों में भी आपको कोई नुकसान पहले तो हो ही ना, अगर हो तो ना के बराबर हो, और फायदा हो तो बहुत ज्यादा हो। ऐसी मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित और जागृत की अंगूठी आप घर बैठे भी हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके भाई बहनों के बारे में, जो निश्चित रूप से आपको मदद पहुंचाने का प्रयास करें, विशेषकर आपकी बहनों की चांस लग रहे हैं कि आपको मदद पहुंचा रही है, आपको कोई खुशखबरी देकर, नौकरी प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू, इंटरव्यू में सफलता, कंप्यूटर एग्जाम या सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट मिलने का समाचार मिल सकता है, माता के साथ एक यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट्स फोकस करें पढ़ाई लिखाई पर, क्योंकि उनका मन पढ़ाई लिखाई में से विपरीत भागता हुआ दिखाई दे रहा है। माता से झगड़ने का, उलझने का कतई कोई प्रयास न करें, आपकी भारी हानि हो सकती है। और ऐसे सभी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई लिखाई को फोकस करने के लिए, मन लगाने के लिए हमारा गारंटी वाला उपाय कर सकते हैं। हम लिखकर गारंटी देते हैं कि आपको जरूर फायदा होगा, जिसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ दुश्मन हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, अपने दुश्मनों से सतर्क और सावधान रहें, अन्यथा आपको भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। मिथुन राशि वालों, यहाँ पर जीवन साथी निश्चित रूप से आपको भरपूर मदद करने का प्रयास करेगा, उसकी वजह से आपको कार्यस्थल पर भी काफी लाभ हो सकता है, तो उसकी सलाह मानकर, कार्यस्थल चाहे नौकरी करते हैं व्यापार करते हो, उससे संबंधित सलाह लेकर चलने में आपका फायदा है। और यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है,
भाग्य के साथ भाग्य आपका अनुकूल नहीं है, भाग्य तो अपने राशि स्थान भाग्य के रत्न और आमंत्रण की रत्न की अंगूठी सदैव धारण करिए, साथ ही साथ चिंता वाली अंगूठी और धारण कर लीजिए, क्योंकि ये चिंता इतनी आसानी से आपका पीछा अब नहीं छोड़ेगी। और यहाँ बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो यहाँ पर आपके प्रेम संबंधों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने भाई बहनों का सहारा लेकर अपने प्रेम संबंध को मजबूत करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय, कोई बकरे की बलि नहीं, कोई मुर्गे की बलि नहीं, कोई उल्लू की बलि के नाम पर उल्लू नहीं बनना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत छोटा सा उपाय जो साल में एक या दो बार करना होता है, उसको करके आप अपने प्रेम संबंधों को सुधार सकते हैं, शादी की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने रूठे हुए घर वालों को भी मना सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ उन सभी लोगों के बारे में जिनके पास अपना मकान नहीं है, दुकान नहीं है, ऑफिस शोरूम गोडाउन नहीं है, ऐसे सभी लोग अपने उन ग्रहों को मजबूत करें जो आपके मकान दुकान ऑफिस शोरूम गोडाउन के कारक हैं। अपने ग्रहों को मजबूत करें, अपने भाग्य को मजबूत करें, अपनी आमदनी को मजबूत करें, और मकान ऑफिस शोरूम गोडाउन इत्यादि वाले ग्रहों पर पड़ने वाली बुरी दृष्टियों को, बुरे ग्रहों की दृष्टियों को ठीक करें। तो फिर कौन रोक सकता है आपको अपना मकान तक पहुंचने में, कि आपका अपना मकान घर दुकान ऑफिस शोरूम गोडाउन जो भी आप चाहते हैं वो खरीदने में आप बहुत जल्दी ही समर्थ हो सकेंगे। जरूरत है मजबूत करने की अपने आप को। हम बहुत सारे प्रयोग कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों को इस प्रकार का लाभ दिला चुके हैं। हाँ, पेशेंस की जरूरत होती है, अटूट श्रद्धा की जरूरत होती है। सनातन धर्म में जो श्रद्धा रखते हैं उनको कभी भी हानि नहीं हो सकती। ऐसा नहीं मैं जा रहे हैं, अरे अटूट विश्वास के साथ जाइए, आज मैं आया हूँ तो प्रभु आपके दर से खाली नहीं जाऊंगा, लेकर ही जाऊंगा, आपसे हाँ करवा कर ही जाऊंगा। और प्रभु को तो छोड़िए ही मत, उनके चाहे चरणों में नजर टिकाइए, उस नजर को जब तक मत उठाइए जब तक अपने मन की सारी बातें उनसे ना कर लीजिएगा, या फिर उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करिए। बढ़िया तो यही है आप आंखों में आंखें डालकर बात करें, परमपिता परमात्मा स्वयं आपको आसपास नजर आने लगेंगे अगर आप अटूट श्रद्धा के साथ जाते हैं। ऐसे ही हाजिरी वैसे ही चक्कर मारने चले जाते हैं कि भैया हमें आदत पड़ी हुई है, ऐसे गए भगवान पंडित को, थोड़ा पंडित जी को हड़काया है, थोड़ा कमियां निकाला है, इसमें कमियां, ये ठीक करो, तो आप मंदिर नहीं जा रहे हैं, आप भगवान के दर पर भगवान से मिलने नहीं जा रहे हैं। वैसे तो भगवान की पूजा मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा आपको घर पर करनी चाहिए, शांति के साथ, आराम के साथ। भगवान के दर पर तो किसी विशेष प्रायोजन से जाना चाहिए, घर में भी तो भगवान है, वही भगवान घर में, तो किसी प्रायोजन के साथ किसी विशेष खुशी के अवसर पर भगवान के मंदिर में जाकर मत्था भी टेकना चाहिए, मिठाई का भोग भी लगाना चाहिए, यथासंभव जो आपकी शक्ति है उसकी शक्ति के अनुसार। तो यहां मैं बात करने वाला था मेरा नाम जगमोहन है, मैं दिल्ली से रोहिणी से आया हूँ। मैंने गुरुजी के यूट्यूब पे इनके जो चैनल में इनकी चलती रहती हैं वीडियोस, तो उनको देख के मैं आया था इनके पास 2019 की मार्च में आया था। तो जो मेरी समस्या थी उनको उन्होंने सुना और उसके बारे में मेरे को बताया कि आप इस तरीके से ये राशि के रत्न जो आपकी परेशानी जो मैंने बताई थी उनके मुताबिक मेरे को जो इन्होंने पहनाया, ये मेरे को अंगूठियाँ पहनाई और मेरे को जिस दिन से पहने कहने मतलब है कि उस मंथ के अप्रैल के बाद से मेरे को मेरे काम जो थोड़े रुके हुए थे और धीरे धीरे वो स्टार्टअप में आ गए मेरे पास। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जिस और किसी को भी अगर परेशानी या कुछ है तो बाबा जी से संपर्क करें और अपनी समस्या जो भी है वो जरूर पूरी होगी। एक बार एक समित मंदिर में आके आप जरूर गुरु जी से मिले। आपका काम था पहले दुबई में, काम था या बाद में शुरू हुआ है? हाँ, मैंने अपना काम सेल्फ अपना वहाँ पर कुवैत में मेरा काम चालू अब किया है मैंने अपना। अब मैं आगे नया काम करने जा रहा हूँ वहाँ पर, तो अब बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा तो आगे तरक्की मेरे को बढ़ती मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, कर्क राशि वाले व्यक्तियों, यहाँ पर मैं आपके जो भाई बहनों के साथ आपकी एक यात्रा की संभावना को देखता हुआ नजर आ रहा हूँ, और साथ ही साथ देख रहा हूँ कि आपके भाई बहन आपकी माता के साथ मिलकर
आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई नौकरी प्रमोशन इंक्रीमेंट इंटरव्यू इंटरव्यू सफलता जैसी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है, ये खुशखबरी आपके लिए ही बनी हुई है। यहाँ माता का आशीर्वाद परिवारजनों के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। और बात करता हूँ मैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। अचानक से इन दिनों काफ़ी लंबे समय के लिए होने वाला है, साल से साल तो बहुत छोटी बात है, उससे बहुत ज़्यादा समय के लिए होने वाला है। तो आपके अपने क्रोध पर इन दिनों अब आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा कर्क राशि वालों। आपका क्रोध आपके लिए हानि का कारक भी बन सकता है। पेट से संबंधित कोई रोग भी आपको परेशान कर सकता है, किसी ऑपरेशन की संभावना भी बन सकती है आने वाले समय में, तो सावधान अवश्य रहें। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता हुआ नजर आ रहा, तो पढ़ाई लिखाई में मन लगाने के लिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय का इस्तेमाल करें, क्योंकि मन तो लग ही नहीं रहा। हम गारंटी से आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में भी लगाएंगे और हर बार पहले से ज़्यादा नंबर दिलवाएंगे। हर साल साल में एक बार छोटा सा उपाय करते हैं बस, उससे आपको लाभ होगा। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ अपने स्वास्थ्य का, विशेष रूप से ख्याल करिएगा लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स के बारे में, सतर्क रहिएगा। आपका जीवन साथी आपको भरपूर सहयोग देने का प्रयास कर रहा है। बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य के हालात आपके अनुकूल होते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर भाग्य कंट्रोल में नहीं होगा तो आपको कैसे आराम आएगा लाइफ में? तो क्या करिएगा, आप अपने आप को मजबूत करिएगा, अपने भाग्य को मजबूत करिएगा, अपनी आमदनी, क्योंकि वहाँ पर भी राहु जाकर बैठ गए हैं और वो बहुत लंबे समय तक आपकी आमदनी में बैठने वाले हैं। तो हमेशा इन तीनों चीजों को मजबूत करिए ताकि आपको कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये मंत्र सिद्ध रत्नों की जो अंगूठियां होती हैं आप ही नहीं पहनते, हमारे देश में बड़े बड़े नेता जो टॉप पहले टॉप 10 नेम्स हैं उनकी तलाशिएगा, उनके बहुत सारे फोटो गूगल पर सर्च करिएगा तो आपको किसी ना किसी फोटो में उनका हाथ नजर आ जाएगा जहां वो अंगूठी पहने हुए हैं। ऐसे ही टॉप के पहले 10 एक्टर एक्ट्रेसेस को तलाशिएगा, उनके हाथ भी चेक करिएगा। जब वो फिल्म जब वो एक्टिंग नहीं कर रहे, पर्सनल लाइफ की फोटो मिल जाएंगी आपको बहुत आसानी से, उनमें आपको सबके हाथ में अंगूठियाँ मिलती नजर आ जाएगी। ऐसी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को देखेगा, अपने अड़ोस पड़ोस में देखेगा, लोगों के हाथों में कोई ना कोई अंगूठी अवश्य आपको नजर आ जाएगी। और जब आप पता करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब ही पहनेगा, जब कोई व्यक्ति अंगूठियों को जब उसे फायदा हो रहा होगा, वरना क्यों धारण करेगा रत्नों की अंगूठियों को? तो आप इन रत्नों की अंगूठियों को पहनकर लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर बात करना चाहता हूँ आपके जीवन साथी के बारे में, कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर थोड़ी सी अड़चन आ सकती है। बात तो चलेगी मगर उस बात के बीच में अड़चन आ जाएगी। तो आप ऐसे सभी युवक युवतियाँ जो बार बार रिश्ते टूट जाने से परेशान है, या शादी वाले आते हैं उनको रिजेक्ट करके चले जाते हैं इस वजह से परेशान है, ऐसे सभी युवक युवतियों को सलाह दूंगा अपनी जन्म कुंडली प्रॉपर किसी योग विद्वान व्यक्ति को दिखाइएगा और उसके अनुसार उपाय करिएगा। प्रॉपर उपाय करेंगे तो खूबसूरत सा जीवन साथी मिलेगा, जीवन सुख में बना रहेगा, वरना कोई टेढ़ा मेढ़ा आ गया तो जीवन को नरक बना देगा, ये अवश्य ही ध्यान रखिएगा। भाग्य को और कार्यस्थल को ठीक करने का प्रयास करिएगा। हालात अनुकूल नहीं है, हालांकि कार्यस्थल पर फिर भी थोड़ा सा बेटरमेंट रह सकता है, किंतु हालात अनुकूल नहीं है। आमदनी के हालात भी बात करेंगे तो आमदनी के हालात में अपने परिवारजनों की सलाह लेकर, अपने कुटुंबजनों की सलाह लेकर आप लाभ उठाने का प्रयास करिएगा, उनकी सलाह से आमदनी बढ़ाने का प्रयास करिएगा, आपको लाभ होगा। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की, तो आपके क्रोध की वजह से और समय की वजह से, आपके ग्रहों की वजह से आपके प्रेम संबंधों में परेशानी आती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसे सभी युवक युवतियाँ जो प्रेम संबंधों को लेकर परेशान हैं, शादी ना हो पाने से परेशान है, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो रही है परेशान है, कोई उनके प्रेम संबंधों को खराब करने का प्रयास कर रहा है उस वजह से परेशान है, या घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे उस वजह से परेशान है, तो ऐसे सभी युवक युवतियाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। हम आपको अवश्य मदद करने का प्रयास करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, जिसमें आपको कोई पूजा पाठ के नाम पर लाखों रुपए लुटवाने की जरूरत नहीं है, और वो भी किसी ऐसे ढोंगी व्यक्ति को जो बाद में पता चलता है कि सनातन धर्म की, उसे तो ABC नहीं आती थी और सनातन धर्म के नाम पर आपको लूट रहा है, वो भी 5-6 लाख रुपए। हमें बड़ी हैरानगी होती है क्या चल रहा है, ऐसी हमें हैरानगी होती है कि आपको लोग 5-5, 7-7 लाख रुपए की अंगूठियां टिपा देते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता होता कौन सी उंगली में कौन सी अंगूठी पहनानी है, इतना भी ज्ञान नहीं होता कि कौन से हाथ में कौन सी अंगूठी पहनानी है, और वो आपसे 5-5, 7-7 लाख रुपए की अंगूठियों के लिए पैसे ले लेते हैं, गलत अंगूठियां पहना देते हैं, जिससे आपका भला तो बहुत दूर की बात है बुरा ही होता है। इस चीजों से भी सावधान रखिएगा। ये अंगूठियां ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप अच्छी रत्न की अंगूठी, अच्छा वैल्यू की अंगूठी पहन सकते हैं, अगर आप नहीं तो नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजी में यूज होती है वो सस्ती अंगूठियों से भी आपका काम चल सकता है, अच्छा खासा चल सकता है।
आप उसके अनुरूप ही अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, आपके जीवन में कोई खुशखबरी, नौकरी, प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू में सफलता जैसी सूचना प्राप्त होने की संभावना आपके आत्मबल के भरोसे और आपके परिवारजनों की मदद से बनती हुई नजर आ रही है। शायद एक यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर परिवारजनों के साथ आपके संबंध आपके भाई बहनों की वजह से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ बात करूंगा माता की, तो माता के क्रोध का भाजक मत बनिए। कहीं माता आपके ऊपर ही क्रोध करने बैठ जाए, माता का आशीर्वाद लेकर उनसे अलग हट जाइए, ज्यादा बेटर है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट है, निश्चित रूप से उनका पढ़ाई लिखाई में मन प्रॉपर तरीके से लगता हुआ नजर आ रहा है। उनको डिस्टर्ब मत करिएगा, उन्हें पढ़ने दीजिएगा, शायद वो अपने करियर बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर सकें। किंतु जिनको समस्या है वो बिना किसी झिझक के हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा उपाय साल में एक बार करना होता है उसके द्वारा पढ़ाई लिखाई में मन लगा सकते हैं, हर बार पहले से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। एक्सीडेंट से संबंधित प्रॉब्लम भी आपके साथ आ सकते हैं। भाग्य के हालात धीमे से सुधरने लगेंगे ऐसा महसूस हो रहा है। और जो कार्यस्थल पर जो अड़चनें आई हुई हैं उनको दूर करने के लिए आप अपने परिवारजनों का, भाई बहनों का साथ लीजिएगा। भाई बहन उसमें आपकी मदद कर सकते हैं, उनकी मदद लेकर आप अपने कार्यस्थल के हालात को ठीक करने का प्रयास करेगा। अपने पिताजी के श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर भी आप लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बात और समझ लीजिएगा कि जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि आपके घर पर और आपके कार्यस्थल दोनों ही जगह पर कोई ना कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यंत्र मंत्र तंत्र का इस्तेमाल कर सकता है। सावधान रहें अपने शत्रुओं से, जो छुपे हुए शत्रु हैं उनसे विशेष रूप से सावधान रहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप हमारी मदद कर ऐसे शत्रुओं को बांध सकते हैं ताकि कम से कम वो आपको नुकसान तो ना पहुंचाए। और यहां मैं बात करना चाहता हूं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो सिंह राशि वालों, आपके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से खुशियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप उन खुशियों को एंजॉय कर सकते हैं अपने जीवन में। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूं उन संतान के बारे में, उन लोगों के बारे में जो अपनी संतान से बहुत दुखी है, नालायक संतान है उनकी, बार बार उनका अपमान करती है, बेइज्जती करती है, चाहे संतान की उम्र 55 साल है या 15 साल, इस बात से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सभी माता पिता जो अपनी संतान की वजह से परेशान है, नालायकता की वजह से वो अपमान करने वाली संतान से परेशान है, तो वो अपनी संतान को कंट्रोल करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा उपाय करें। ऐसा करने से आपकी संतान और आपके मध्य में दोबारा से प्रेम संबंधों का उदय होगा और धीमे धीमे करके आपकी संतान का बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो जाएगा। आपके मध्य दोबारा से प्रेम संबंध मजबूत और दृढ़ होंगे और आप रोज रोज की अपमानजनक पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं उन सभी लोगों से भी एक बात कर लेता हूं जो अपने खून के रिश्ते में परेशान है, चाहे भाई बहन, चाहे माँ बाप से, चाहे पुत्र पुत्रियों से। तो इन संबंधों को ठीक करने के लिए भी छोटे छोटे उपाय करके सगे अस्पताल जो सब ब्लड रिलेशन है, ओरिजिनल ब्लड रिलेशन की बात कर रहा हूँ, कोई कजिन वाले रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अपने रियल ब्लड रिलेशन में आप छोटा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ तो प्रिय भक्तगणों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूँ धन से संबंधित, तो अपने घर में आप लोगों ने क्या करना है, उत्तर पूर्व की दिशा में एक एक्वेरियम की स्थापना करनी है। एक्वेरियम मतलब कांच का वो घर जिसमें मछलियों को रखा जाता है घर के अंदर, और उस एक्वेरियम के अंदर चाहे आप छोटा ले लें एक्वेरियम, उत्तर और पूर्व दिशा में ही रखना है। या तो उत्तर दिशा में रखिए, उत्तर दिशा में संभव नहीं है तो उत्तर पूर्व दिशा में रखिएगा, उत्तर पूर्व कोण पर रखिएगा। और उस एक्वेरियम के अंदर सदैव 8 सुनहरी मछली और 1 काली मछली अवश्य जीवित होनी चाहिए। गलती से कोई मछली कभी मर जाती है तो उस मछली को रिप्लेस कर दें, चाहे गोल्डन हो या काली हो। ऐसा करना धीमे धीमे आपके घर में नेगेटिविटी को खत्म करते हुए धन धान्य के भंडारों में वृद्धि प्रदान करता रहेगा। आप प्रयोग करिएगा, अवश्य ही इससे आपको लाभ होगा, कोई बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला प्रयोग नहीं है और आपके घर की सुंदरता तो इस प्रयोग करने से, इस उपाय को करने से निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो बात करते हैं कन्या राशि वाले व्यक्ति के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्तियों, आपके जीवन में इस समय जो समय चल रहा है, कोई नौकरी, प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकार की तरफ से कोई लाभ की सूचना या कंप्यूटर एग्जाम में सफलता के साथ साथ यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, इस के कारण आप फायदा उठाने का प्रयास करिएगा।
और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। परिवारजनों से भी आपको सहयोग मिलता हुआ निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। भाई बहनों के साथ उलझने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, आपको परेशानी हो सकती है। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपके साथ है। और बात करते हैं स्टूडेंट्स का, मन पढ़ाई लिखाई में लग रहा है, वो अपना करियर बनाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनके माता पिता के लिए खुशखबरी है। किंतु जो स्टूडेंट गलती से कन्या राशि देखते हैं मगर उनकी कोई और राशि होती है, तो ऐसे स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में अगर निराशा महसूस कर रहे हैं, अच्छे नंबर नहीं आते हैं मेहनत करने के बाद भी, तो हमारा गारंटी वाला उपाय कर लें, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। न सिर्फ पढ़ाई लिखाई में हर बार ज्यादा नंबर आएंगे अपितु पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा, गारंटी देते हैं हम, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के क्रोध से बचने का प्रयास करिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। माता का साथ ले सकते हैं, माँ अपनी माँ का सहारा ले सकते हैं इस विषय में, और अपने जीवन साथी को खुश रखने से और मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों का इस्तेमाल करने से आपको लाभ हो सकता है। यहाँ पर मैं तो यही कहता हूँ कन्या राशि वालों को, सदैव अपने राशि रतन की, अपने जीवन साथी के रतन की, अपने भाग्य के रतन की और आमंदी के रतन की अंगूठी सदैव पहननी चाहिए। ये यहाँ भी तो आमंदी में भी तो अभी लंबे समय के लिए प्रॉब्लम आ गई कि राहु महाराज आके बैठ गए भाग्य के खाने में। अब भाग्य में राहु का बैठना तो निश्चित रूप से कोई बाधा का लगा है। अगर कन्या राशि वालों को लगातार साल से बहुत ज्यादा समय, ऊपर की बात कर रहा हूँ कि एक साल से बहुत ज्यादा समय तक ये स्थिति रहने वाली है, तो क्या करेंगे फिर आप, परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। अगर भाग्य में ही आपको बार बार अड़चन आएगी तो आप भाग्य से संबंधित रतन की अंगूठी और राहु का भी उपाय करिएगा, वरना आपका भाग्य आपको फल नहीं दे पाएगा। आमंदी को भी मजबूत करिएगा, कार्यस्थल पर भी मजबूती लाइएगा, इनसे संबंधित रतन की अंगूठी मंत्र से प्राण प्रति जागृत कराकर हर हालत में धारण करिएगा। आप चाहे तो हमारे यहाँ से मेरे द्वारा पूजा की गई अंगूठियाँ आप घर बैठे भी पूरी दुनिया में कहीं भी मंगवा सकते हैं। और ये अंगूठियाँ आप ही स्पेशली नहीं पहने, हमारे यहाँ तो बड़े से बड़े नेता या बड़े से बड़े अभिनेता या बड़े बड़े व्यापारी लोग या आसपास में आम आदमी भी और हम जैसे फक्कड़ साधु भी इन रत्नों की अंगूठियों को पहनकर हमेशा लाभ उठाते हैं, हमेशा आनंद के जीवन जीते हैं। प्रभु की असीम कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और परेशानी आती है तो स्वतः ही चुटकी में समट जाती है या बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है या दाएं बाएं से निकल जाती है, पास साथ में भी नहीं आती हमारे पास, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हम तो एक तुच्छ प्राणी है। सब परमपिता परमात्मा की कृपा है जिन्होंने हमारी शक्ति को जागृत किया ताकि हम इन अंगूठियों को मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा जागृत कर धारण कर इनसे लाभ उठा सकें और वही लाभ अब आप तक पहुंचा सकें। तो बात कर रहा था मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो वहां पर भी आपके जीवन में खुशी आने वाली है। फिर भी जो व्यक्ति गलती से देख रहे हैं कन्या राशि और उनकी कोई और राशि है, तो ऐसे सभी व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए, उनको शादी की तरफ ले जाने के लिए या अपने घर वालों को भी शादी के लिए मनाने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो साल में एक या दो बार करने होते हैं उनका लाभ उठाकर अपनी लाइफ को सुखमय बना सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। और यहाँ पर बात करना चाहता हूँ उन सभी युवक युवतियों के बारे में जिनके पास अपना मकान नहीं है खुद का, तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए तो चांस बनता हुआ नजर आ रहा है, किंतु बाकी सब लोगों के बारे में तो मेरी अलग अलग आपको राशि देखनी पड़ेगी। किंतु जो लोग अभी तक अपना मकान नहीं खरीद पाए किसी न किसी कारणवश, ऐसे सभी लोग चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो, प्रॉपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों को अपनाएं बहुत श्रद्धा के साथ, सनातन धर्म में बहुत शक्ति है, तो उन उपायों को करने से आप तेजी से अपने मकान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता, छोटा सा उपाय होता है, साल में एक बार ही करना होता है, और क्या कर सकते हैं, कोशिश कीजिए शीघ्र ही आप अपना मकान प्राप्त कर सकेंगे। विषम से विषम परिस्थितियों में भी आप मकान बनाने में समर्थ हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को कम टाइम लगता है, कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लगता है उपाय को करने के बाद, तो इसकी व्याख्या तो कोई भी नहीं कर सकता कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन उस दिशा में तेजी से प्रयास करके आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।